हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम GNM फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों कल एक वीडियो बनाया था हमने दोस्तों, वो काउंसलिंग के रिलेटेड बनाया था दोस्तों, और उसमें हमने बताया था कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 15 तारीख से स्टार्ट होगी, यानी 15 नवंबर से जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उसके ऊपर स्टूडेंटों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे और अब भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जो वीडियो बनाया था उसमें आप 15 जो नवंबर है वो बता रहे हो और बाकी जो अदर यूट्यूब चैनल वाले हैं वो भी अलग डेट बता रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसका वो बताएंगे, आपको प्रूफ बताएंगे किस प्रकार से, जो उनको पता है कि नहीं पता है, तो उसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिले और छोटी से छोटी बात समझ में आए, ताकि आपका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे। क्योंकि दोस्तों ये बादल एजुकेशनल गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाता है। हाँ दोस्तों, एक हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके जो कमेंट आते हैं तो बहुत से स्टूडेंटों का हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं और बहुत सौ का रिप्लाई दे देते हैं, तो इसका हमें खेद है क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसीलिए आपका जो है रिप्लाई नहीं दे पाते। बट कोशिश हम पूरी करते हैं कि आपका जो है रिप्लाई दे सभी स्टूडेंटों के लिए। तो आप कमेंट कर दिया करो, अगर आपका यहाँ भी रिप्लाई ना मिले तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो हमें, तो वहाँ भी हम रिप्लाई कर देते हैं। तो चलो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो 15 नवंबर है उस दिन काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आज आपको कम से कम यूट्यूब चैनल वालों ने, ज़्यादातर स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे हैं सर कि आज 10 वीडियो डले हैं यूट्यूब पर, उनमें किसी ने भी नहीं बताया कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 15 नवंबर से होगी, और आप बता रहे हो सर कि 15 नवंबर से काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों हम जो बता रहे हैं वो ऑफिशियल न्यूज़ है। अब फिर ऑफिशियल न्यूज़ बोलते हैं हम, तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर आपके पास कहाँ से आई, तो देखो इतने वो बोलते हो आप, तो इसका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। आप अगर वेबसाइट पर चेक करते हो कि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे राष्ट्र स्वास्थ्य हो गया, RUHS हो गया, जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं अपनी अपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो भी आप अपने जो लेवल की जो मेरिट लिस्ट निकालते हैं उनकी जो काउंसलिंग होती है उसकी जो प्रक्रिया है वो पहले से ही जारी करके रखते हैं अपनी जो भी है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना। तो उसको क्या होता है, जैसे कि कोई वेबसाइट होती है तो उस वेबसाइट पर वो उसी दिन अपलोड करते हैं जिस दिन वो काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसी दिन अपलोड करते हैं। अब जैसे कि आपकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट होगी तो वो क्या है, यहाँ पर वेबसाइट पर तो कल ही डालेंगे उसको, कल ही शो होगी इस वेबसाइट पर, तो वो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड कल ही नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन जो ऑफिशियल जो हमने आपको नोटिफिकेशन बताया था वो नोटिफिकेशन डायरेक्टली वहाँ से ही लाया गया है हमारे द्वारा, ठीक है ना, डायरेक्टली राज्य स्वास्थ्य से ही लाया गया नोटिफिकेशन है वो। उस नोटिफिकेशन में आपको प्रूफ भी है, तो वो नोटिफिकेशन आपको राज्य स्वास्थ्य से ही लाया गया है और राज्य स्वास्थ्य की ही खबर है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ऑफिशियल न्यूज़ है, तो एक बार दिखा देते हैं उसको। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से जो रहेगा शेड्यूल, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप यहाँ पर जो भी है साफ साफ दे रखा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो ये दे रखा है इसमें कि अंत्य जनरल नर्सिंग जो मिडवाइफरी है आपकी जो GNM है उसके यहाँ पर जो 17/2022-23 के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार जो कैलेंडर है वो तो प्रस्तावित कर दिया गया है, हमने आपको पहले भी बता दिया था। आप हम इतने मतलब क्या बताएं आपको, इतने अनजान हो आप कि आपको कोई भी कैसी भी वीडियो बना देता है उस पर आप बिलीव कर लेते हो और उसके बाद में फिर आप हमारे पास में कमेंट करते हो कि सर ये ऐसे वीडियो में बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो आपको वीडियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो हम आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसे ही कहीं से डाटा कलेक्ट करके हम फालतू तो वीडियो बनाते नहीं, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट और हमारा भी टाइम वेस्ट। बहुत से होते हैं कि आपको व्यू के चक्कर में आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन देते हैं और कुछ आता पता है नहीं, तो वो हमारे से आता नहीं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंटों की भावनाओं को समझते हैं इस प्रकार से। बस फर्क इतना सा है कि हम आपके सीनियर हैं और आप हमारे जूनियर हो, तो इस प्रकार से हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो हम आपको कोई भी गुमराह करने की यहाँ पर कोशिश नहीं करते, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सटीक इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए देते हैं, तो ये आप में कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो लिस्ट है, आपकी जब लिस्ट आ रही थी ना 10-11 तारीख को आपकी लिस्ट आने वाली थी, तो हमने 10 तारीख को आपको बोला था कि आपकी जो लिस्ट है वो आएगी 11 तारीख को, यानी 11 नवंबर को आएगी। तो आपकी जो लिस्ट है वो 11 नवंबर को ही आई थी और हमने बोला था कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो 11 से स्टार्ट होगा, 14 तक चलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो आपका ऑब्जेक्शन है वो आपका 11 तारीख से स्टार्ट हुआ था और आज ऑब्जेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 14 नवंबर निकल चुकी है, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर ऑप्शन फॉरम स्टार्ट, जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसका आपका ऑप्शन फॉरम स्टार्ट हो जाएगा और कल ही एक फाइनल मेरिट लिस्ट और आएगी सभी स्टूडेंटों की। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में पता चल जाएगा आपको कि किस किस का नाम है और किस किस का नाम नहीं है। तो कल एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसी के साथ साथ फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी जो काउंसलिंग है वो भी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी कल।
ध्यान दो दोस्तों, कल ही स्टार्ट कर दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल से ही आपकी जो है स्टार्ट कर दी जाएगी काउंसलिंग, ठीक है ना। 15 नवंबर हो चुका है तो फर्स्ट काउंसलिंग यानी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कल ही आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है और आपको एक बड़े भाई की तरह हम गाइड करेंगे। जैसा आप चाहो उस प्रकार से हम गाइड करेंगे। आप हमें मैसेज करो, हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको कॉलेज लेनी है, कौन सी कॉलेज लेनी है। चाहे आप प्राइवेट लो, चाहे गवर्नमेंट लो, चाहे आप गवर्नमेंट में अच्छी से अच्छी कॉलेज लो, किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवा रही है ऊपर से लेकर नीचे तक हम आपकी काउंसलिंग करवाएंगे। डोंट वरी रहो, हम आपके साथ हैं। आप हमारे लिए, हमारा इतना सपोर्ट करते हो तो हम आपके लिए भी फुल सपोर्ट करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें अपना बड़ा भाई मानकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताओ और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ भी आपका रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 15 नवंबर है तो वहाँ तक आपकी जो काउंसलिंग है वो चलेगी। और देखो, अगर इस कैलेंडर को अगर इन्होंने 15 तारीख से 15 नवंबर को अगर 16 नवंबर कर दिया तो ये पूरा कैलेंडर ही चेंज हो जाएगा। ये पूरा जो कैलेंडर है काउंसलिंग का, ये पूरा ही चेंज हो जाएगा राज स्वास्थ्य का। तो ऐसा तो राज स्वास्थ्य करेगा नहीं, क्योंकि अब जो स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है उनका सेशन, तो इसीलिए जो वो है उन्होंने अभी करना स्टार्ट होगा, ठीक है, काउंसलिंग अभी करनी स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार से आपकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रहेगा। और हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे ऊपर बिलीव करते हो तो सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और बाकी आप अदर वीडियो देखो, हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप अदर वीडियो देखो, लेकिन फालतू की वीडियो देखकर आप हमें कमेंट ना किया करो कि सर ये वो फलाना ठिकाना। आपको हम एक ही बार में बता देते हैं, जो भी सटीक इन्फॉर्मेशन होती है वो हम बता देते हैं आपको कि क्या क्या हमारे पास डाटा कलेक्ट करके आता है। अब जैसे कि कल हमारी विजिट होगी, कल हम विजिट करने जाएंगे RUHS यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से जो भी डाटा कलेक्ट होगा सटीक इन्फॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे स्टूडेंटों को, तो वो भी सटीक इन्फॉर्मेशन होगी। तो फिर उसकी भी बोलते हैं कि सर आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाएँ, क्योंकि हम विजिट करते रहते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में सटीक इन्फॉर्मेशन आती है वही हम आपके पास पहुँचाते रहते हैं, ठीक है ना। तो और हम कोई भी आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप चिंता ना करो और आपको गाइड हम करेंगे किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है काउंसलिंग करवानी है, तो उसकी टेंशन मत लो। कल आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है वो उसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी उसके ऊपर भी आपको वीडियो आ जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। आई होप दोस्तों ये छोटा सा डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।